नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम खुशवा आपका स्वागत करता हूँ प्रोवाइड सीएस चैनल में। तो हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सारे ऑप्शन हमने यूज करके देखा था कि कैसे किसी भी जो पैराग्राफ या लाइनिंग है उसमें नंबर कैसे करना है, और लाइन की जो स्पेसिंग है उसे कम करने ज़्यादा कैसे करना है, ये सब हम लोगों ने जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा यहाँ पे आता है स्टाइल्स और एडिटिंग। तो स्टाइल्स और एडिटिंग कैसे यूज होती है यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, पहले सबसे ज्यादा सबसे यूज होने वाला है पहले सेलेक्ट करना है सबसे पहले। अब ये क्या है, यहाँ पे आते हैं हेडिंग आते हैं, देखिए यहाँ पे इसे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, आपको नीचे वाला जो दिया है छोटा सा डबल लाइन, एक लाइन और छोटी सी दी है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको खुल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हेडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, स्ट्रॉन्ग हो गया, क्वांट्स हो गया, ये सब आपको दिए हुए। मेनली जो यूज होने वाला है वो है हेडिंग। तो हेडिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे दूसरा नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे यूज होगा, जब आप कहीं से कोई भी टेक्स्ट या फॉर्मेट आप कॉपी करेंगे, जैसे मैं यहाँ से अगर मैं कुछ कॉपी करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, साउंड कार्ड लिखता हूँ, तो यहाँ पे साउंड कार्ड आ गया। अब इसके अंदर हम लोग ये वाला क्लिक कर लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉपी करते हैं, जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फॉर्मेटिंग की गई है, तो हम लोग उसको अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो एक तो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है और दूसरा होता है यहाँ पे ये नॉर्मल। तो अब नॉर्मल करेंगे तो भी जो फॉर्मेटिंग की गई है वो हट जाएगी, और या फिर आप क्लियर करेंगे तो भी हट जाएगी। तो नॉर्मल करने का मतलब यही है कि आप अगर कुछ कॉपी कर रहे हैं या फिर कहीं से आप ला रहे हैं कुछ भी टेक्स्ट या फॉर्मेट आप कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कुछ बहुत सारी डिजाइनिंग कर दी है, बहुत सारा आपने कहने का मतलब फॉर्मेटिंग कर दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से जाके यहाँ पे ये नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है इससे भी कर सकते हैं, अगर कुछ कुछ होता है इससे नहीं हटता तो आप यहाँ पे नॉर्मल से हटा सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग क्या है, जगह रहती है बीच बीच में, उसको हम लोग नो स्पेसिंग बोलते हैं। ये जो यहाँ से इनकी इनके बीच में जगह है उसको हम लोग नो स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये नो स्पेसिंग कर देंगे तो इनके बीच में जो जगह है जितना हम लोगों ने स्पेस दिया उतनी जगह बचेगा, इन दोनों लाइनों के बीच में जो हमने स्पेसिंग दी है वो पूरी स्पेसिंग हट जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने 2 दे दी है, तो अब क्या करना है, अगर हमें इसको नो स्पेसिंग क्लिक करना है, नो स्पेसिंग क्लिक कर देंगे, जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या है बीच में जगह दी है वो करा है वो सारा हट जाएगा, एक पूरी फुल लाइन बन जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में नॉर्मल हो जाएगा, ये नो स्पेसिंग में पूरी जो यहाँ पे देखिए बीच में एक स्पेसिंग दी गई है ये पूरी स्पेसिंग हट जाएगी। फिर आता है हेडिंग, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हेडिंग। तो आपको हेडिंग में प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप पैराग्राफ जो लिखा है इसको एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ, दूसरा ये और तीसरा यहाँ पे, तो तीन जो है ये हेडिंग है। अब हेडिंग क्या होती है कि जो आप मतलब पहला जो आप डालते हैं नंबर वन, फिर उसके अंदर लिखते हैं, फिर उसके अंदर कुछ कुछ टेक्स्ट होता है, जैसे आप कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर हेडिंग हो गई, उस कंप्यूटर के अंदर हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिर होता है उसका एडवांटेज कंप्यूटर यूज करने का, फिर एडवांटेज की जो हम लोग लाइनें लिखते हैं 1 2 3 वाली। तो ये सब ये क्या होता है, यहाँ पे एक पैराग्राफ होता है जिसका हम लोग अरे कहने का मतलब हेडिंग होती है, तो उस हेडिंग का हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे मैं गया हेडिंग वन कर देता हूँ, इसको भी ये हेडिंग है, ये मैंने गया और यहाँ पे ये हेडिंग बन कर दिया, ये हो गया, ये हेडिंग बन हो गया। आप सोच रहे होंगे हेडिंग लगाने के बाद ये काफी बड़ा हो गया इसको क्या करेंगे, तो आप यहाँ से आराम से छोटा कर सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है, बस आपको हेडिंग लगाना है ताकि आपको समझ में आए कि ये एक हेडिंग है। ठीक, तो हेडिंग हो गई। फिर अगर आप देखिए यहाँ पे हेडिंग वन लगा देंगे तो यहाँ पे हेडिंग टू भी आ जाएगा। तो हेडिंग टू के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे ट्राई को एक हेडिंग बना देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ये ट्राई जो है ये हेडिंग टू होनी चाहिए, क्योंकि मेन हेडिंग ये है, उस हेडिंग के अंदर ये एक हेडिंग आ रही है, तो हेडिंग टू कर देता हूँ। फिर ऐसे ये जो ट्राई है इसको हेडिंग टू कर देता हूँ। अब इसके अंदर आप कलर जो है आप जैसा चाहें वैसे चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये यूज कहाँ होने वाला है ये हम आगे बताएंगे आपको, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है। तो आपको हेडिंग कैसे लगाना है, हेडिंग के अंदर ये जो हेडिंग हो गई, फिर ये दूसरी हेडिंग हो गई, तो जब जैसे ही हम लोग दूसरी हेडिंग लगा देंगे तो तीसरी हेडिंग आ जाएगी, तीसरी हेडिंग लगा देंगे तो अंदर देखिए यहाँ पे 4 हेडिंग आ जाएगी, 4 हेडिंग लगा देंगे तो यहाँ पे ये 5 हेडिंग चालू हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, जितनी आप हेडिंग यूज करते जाएंगे तो ये हेडिंग बढ़ती जाएगी।
और आपको इसको हेडिंग लगाना आना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ हेडिंग लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद होता है सब टाइटल होता है, तो टाइटल होते हैं मेन टाइटल, और जैसे ये है इसको हमने हेडिंग बनाया था, इसको हम लोग टाइटल बना देंगे, तो ये टाइटल हो गया। कोई बुक होती है उसका एक टाइटल होता है, एक लाइन होती है मेन ऊपर, जैसे चैप्टर वन हो गया, ये क्या हो गया, एक टाइटल हो गया। तो ऐसा आप यहाँ पे टाइटल लगा सकते हैं। सब टाइटल क्या होता है, चैप्टर का नाम हो गया, जैसे यहाँ पे टाइटल हो गया, अब इसका हम लोग इसको सब टाइटल बना देते हैं। तो ये बुक हो गया, अब बुक के अंदर का हम लोगों ने एक चैप्टर का नाम लिख दिया, ये सब टाइटल हो गया। तो ऐसा होता है टाइटल और सब टाइटल। फिर आता है इसके अंदर सब टाइटल हो गया, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्स हो गया। कॉन्ट्स कैसे होते हैं, जैसे आप कुछ कुछ पढ़ते हैं बुक में डेफिनेशन होती है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और ये कॉन्ट्स कर देंगे, देखिए। तो ये थोड़ा अच्छा दिखने वाला हो गया, ताकि आपको और कोई डेफिनेशन पढ़ने में, कोई लाइन एक ने आपने लिखा है तो वो आपको पढ़ने के लिए आ गया। क्वार्ट्स क्या होते हैं, जैसे आप कहीं कहीं वो कहने मतलब शायरी लिखे होते हैं या और कुछ कुछ होती है, तो ये इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करके ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसे हैं, आपको सबसे ज्यादा हेडिंग पे फोकस करना है, सब हेडिंग हो गई और नॉर्मल, तीन चीजों पे ध्यान देना है, बाकी ये सब इतना यूज होने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं चेंज स्टाइल में। तो चेंज स्टाइल क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी थीम होती है। थीम होती है जैसे यहाँ पे कलर की थीम हो गई, ये देखिए जो हेडिंग है, सब हेडिंग है यहाँ पे हमने यूज करा है, उसकी कलर देखिए यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे थीम होती बनी हुई होती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एक कलर हो गया यहाँ पे ऐसा। फिर इसके बाद आता है उसका फॉन्ट डिजाइन, जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। ये क्या है, बने हुए, आपको केवल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिजाइनिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये हो गया, इसके अंदर आप चाहें तो अपना नया बना भी सकते हैं। यहाँ पे कलर्स में जाएंगे, नीचे क्रिएट न्यू थीम कलर हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ जाएंगे क्रिएट न्यू थीम फॉन्ट हो जाएगा, तो आप बना भी सकते हैं। इतना यूज नहीं होने वाला है, आपको केवल इस पे ध्यान देना, हेडिंग सब हेडिंग। ठीक, आगे बढ़ते, आगे आता है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आता है पहला फाइंड आता है। तो फाइंड में क्या होता है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपके अंदर यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप सर्च करना चाहते हैं डेवलपिंग, तो आप डेवलपिंग ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी लाइन पढ़नेगी, ईच सीरीज रिलेटेड सेंटेंस डेवलपिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड में जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर ये एक बॉक्स है, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे कि हम ढूंढना क्या चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, मैंने यहाँ पे डेवलपिंग लिख दिया, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डेवलपिंग में आ गया है, फिर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डेवलपिंग लिखा हुआ इस पे आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये डेवलपिंग पे आ जाएगा। तो रीड हाईलाइट में क्लिक करेंगे, हाईलाइट ऑल में कर देंगे, देखिए अब जहाँ जहाँ पे डेवलपिंग हो गई है तो उसको हाईलाइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे डेवलपिंग लिखा है, जितनी जगह लिखा है ये हर जगह से हाईलाइट कर देगा, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है तो डेवलपिंग है, मतलब सर्च करने के लिए है, आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है इसको क्लोज कर देते हैं, तो डेवलपिंग हाईलाइट हो चुका है। कंट्रोल जेड दबा देंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगी। कंट्रोल जेड दबाएंगे, देखिए जो डेवलपिंग था वो पूरा हट चुका है, जो हाईलाइट हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है यहाँ पे रिप्लेस। फाइंड आपको पता चला कि फाइंड कैसे करते हैं। रिप्लेस का मतलब ये है कि आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चेंज करना चाहता हूँ डेवलपिंग को प्रोडक्ट से, डी यू सी टी प्रोडक्ट से। ठीक, तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, आप चाहें तो एक एक रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको यहाँ कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपिंग लिखा है। अगर हम इस पे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस, देखिए यहाँ पे ये डेवलपिंग जो है ये रिप्लेस हो चुका है पहला वाला, ऐसे ना। अभी ये वाला सेलेक्ट नहीं था, यहाँ पे सेकंड नंबर वाला था, अभी एक बार और करते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेवलपिंग लिखा है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, फिर ये रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे ये डेवलपिंग जहाँ था वहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो चुका है ये। और अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये रिप्लेस ऑल हो चुका है, तो अब क्या होगा कि जितनी जगह यहाँ पे डेवलपिंग लिखा था वो हर जगह प्रोडक्ट लिख गया। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख गया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख गया, और भी कहीं भी अगर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हर जगह लिख चुका है प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से होता है, अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग वापस डेवलपिंग बना दें, तो रिप्लेस में जाएंगे, तो अब प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, डेवलपिंग, DEVELOPING, और ओके रिप्लेस एक में करेंगे तो जिस जो सेलेक्ट है वही बस सेलेक्ट हो वो होगा, एक एक करके होगा। हम लोग रिप्लेस ऑल में कर देंगे तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस ऑल वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डेवलपिंग बन जाएगा। ठीक, तो मैंने ओके करा और यस ओके। अब देखिए यहाँ पे ये डेवलपिंग आ चुका है,
यहाँ पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये फाइंड आपको पता चला होगा, रिप्लेस पता चला होगा, फिर आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है, जैसे आप इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आता है ऐसे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा जो ये पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए आप सेलेक्ट ऑल क्या चाहते हैं तो कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट और ये इतना यूज नहीं होने वाला है, फाइंड और रिप्लेस यूज होगा। तो आपको इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको बदल बदल के चेक करना है। ठीक, तो आप ग्रुप चाहे तो ग्रुप में सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं ग्रुप को किसी और से, तो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया और क्लोज कर दिया। देखिए रिप्लेस की ग्रुप की जगह कुछ और आ जाएगा जो भी हम लोग दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको रिप्लेस यूज करना है, फाइंड यूज करना है, ये आपको ये प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे एक आखिरी बार बता देता हूँ, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हम लोग किसी और से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस में जाएंगे। पैराग्राफ को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं न्यू से, NEW, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। देखिए और यस, तो अब देखिए जहां जहां पे ये देखिए पैराग्राफ था वहां पे अब न्यू आ चुका है। ठीक, तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो हम अगला जो चैप्टर का होगा तो उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंसर्ट। होम के अंदर जितना ऑप्शन था हमने बता दिया है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, सवाल, अगर नहीं बन रहा कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।